लाइट उधर से दो, उधर से दो, आगे लेके जाओ। हमारी लाइट भी डाउन हो गई है बस। मर रहे हैं आज, बहुत मर रहे हैं। आओ खाना क्या ही नहीं करना। वो हमारा जैक था भाई, ये हमारे जैक हैं, पत्थर हमारे जैक हैं। हो गया है, यहाँ पे सेठ लोग हैं, सारे उस्ताद लोग बैठे हैं यहाँ पे भाई, काम हो गया माशाल्लाह। बलोचिस्तान के उस्ताद हैं यहाँ पे सारे, सब साथी। हाँ भाई, रात तो बड़ी अच्छी गुजरी, और रात हमने वैसे तो सब यहीं खड़े हुए हैं ये, और हमने यही इन पत्थरों पर ही रात सोए, और बस गाड़ी बहुत मसला किया दो गाड़ियों ने, एक को तो हम यहीं छोड़ लें और एक अल्लाह लगा के अभी सुबह सुबह स्टार्ट हुई है जिसमें हम बैठे हुए थे वो रही, तो उसकी वजह से सब ने यहीं पे नाइट स्टे किया, और अभी स्टिल 2 से 2.5 घंटे की ड्राइव और है, और जो के मतलब के अभी हमें अभी तक सुबह के बज रहे हैं 8:30, तो होपफुली हम वहाँ पर अगर अभी निकलते हैं तो इंशाल्लाह 11:30 पहुँच जाएंगे। सेठ कामरान, कामरान ये ऐसी गर्मी में जो सबसे ज़्यादा साथ देने वाली चीज़ होती है वो होता है पानी, और ये स्काफ, हमें स्काफ को गीला कर लिया, और तकरीबन अभी कोई 9:30 बज रहे हैं और ठीक ठाक गर्मी है यहाँ पे। माशाल्लाह अच्छी बात है कि ऐसे खूबसूरत खूबसूरत मंज़र आपको देखने को मिलते रहते हैं, ये बहुत, ये जो वादियाँ हैं बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं माशाल्लाह। देखो अभी हुआ ये है कि काफ़ी सारे लोगों को वहाँ जाने से रोका है और वापस भेज दिया है कि सरदार ने मना किया, सरदार ने मना किया। अब हम होप के साथ जा रहे हैं, खाना बदोश टीम आदिल भाई के साथ जा रही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन होप फॉर बेस्ट, इंशाल्लाह हम यहाँ जाएंगे। आखिरी पानी में यही नहा लें। ये चारों है। वो कोई ऐसी तस्वीरें बेकार थी, वो टर्की था, ये नहीं था, एडिटिंग थी। हाँ भाई देख रहे हैं चारों में आदिल भाई नहाते हुए, ये देखिए आप चार, असल में वो सब झूठ था, वो सब झूठ है, यही चारों है। वैसे ला इंटरव्यू दो। आए 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 आदिल भाई, आदिल भाई, आदिल भाई। मुझसे गलती हुई कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी फेसबुक पे चारों के बारे में, जिसको देख के तकरीबन 500 लोग यहाँ आए, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको जाने नहीं दिया आगे, तो वो बेचारे जाहिर है बहुत बुरी तरह से ख्वार होके गए, कराची से आए ऑल द वे कोई 14-15 घंटे की ड्राइव, और यहाँ से वापस गए, मुझसे गलती हुई। आइंदा इंशाल्लाह कोई भी नई जगह की वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। शुक्रिया। इसी तरह जब वो उधर भी हुआ मूला पे इस वीकेंड मूला पे जो आए हैं तकरीबन 5,000 के करीब लोग आए हैं। पाँच हजार के करीब मूला पे आए हैं, जिसकी वजह से अगेन वहाँ पे इतनी वो हैंडल कर नहीं सकते लोग, इंजॉय करने पहुँच तो गए हार्डली, वहाँ पे 100 or 200 के लिए कैंपिंग वगैरह के एरिया का था, लेकिन अब वो ऐसा हुआ है। वो भी आदिल भाई ने वो जगह डिस्कवर की थी मूला,
वहाँ पे बहुत गंदा सीन हो चुका है। हम पाकिस्तान को देते हैं मौके पाकिस्तानियों को घूमने के, और जो लोकल लोग हैं उनको रोज़गार के, सिर्फ ट्रांसपोर्ट का नहीं, बाकी और भी बहुत सारे रोज़गार बनते हैं, तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन ये कि दो तीन चीज़ें बहुत बुरी हैं हम लोगों में। एक तो बुराई ये है कि जहाँ भी जाते हैं वो कचरा फैला के आ जाते हैं। कराची जैसे शहर में कचरा हटाने का कोई तरीका नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा। दूसरा एक बुरी बात यह है कि हम किसी की जगह पे आते हैं तो उनकी प्राइवेसी का हमें ख्याल रखना चाहिए। यहाँ लोग जो किसी बलोच औरत को देखा उसकी तस्वीर बना ली, ये सब नहीं करना चाहिए। किसी घरों में नहीं जा के, उनकी प्राइवेसी है, उनको आप डिस्टर्ब ना करें। तो बस ये है, बाकी बलोच और जो पठान पूरा हर घर कोई, ये बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, तो उनको ऐसा ना करें कि वो मेहमान नवाजी छोड़ के बंदूक क्यों उठा लें। ये मेहरबानी करें, गंद वंद ना किया करें भैया। मतलब कि हमारी जो नेचर है, घर समझो ना, अपना घर समझ के नेचर को इसको बरकरार रखें। आगे आइंदा आने वाले 10-15 साल तक ये ऐसे ही रहे, एटलीस्ट जब तक हमारे पाकिस्तान में पानी है। इमरान खान यहाँ पर डैम वैम नहीं बनता, तुम सीधे रहो, इस पानी को प्रिजर्व करो। पॉइंट आ गया है जहाँ पर रोक है, और रोक से हमें नहीं, हमसे पहले वालों को तो भेज दिया था, अभी हमारे लिए तो पीछे बात चल रही है, शायद वो कुछ करें। बाकी हमारी सारी वो जीप है, सारी 10 की 10। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर रोक देते हैं, और कह रहे हैं कि इस ये जो पहाड़ ना, इस पहाड़ के बैक साइड के ऊपर अंदर की तरफ वो है चारो का वो जो झरना, वो जो है खूबसूरत जगह इसकी। देखते हैं बात चल रही है, अगर मान गए तो अच्छा हो जाएगा, वरना फिर कराची बाय बाय, रिटर्न हो जाएंगे। फाइनली मना लिया है आदिल जदून भाई ने, मान गए, चले अब हम चल रहे हैं। ओ भाई जगह दो भाई, ये हमारी आ गए, एक गरीबों की जन्नत। हाँ ये है, गंदगी जैसी मैं पता नहीं कितने लोग वापस चले गए, लेकिन हमें अलाउ कर दिया उसने। वो एक रिहायशी बंदा है जो कि इस इलाके में रहता है, बहुत शुक्रिया। उसने कुछ मसला किया था, उसको कुछ नाराजगी थी लोगों से जो पिछले आए थे, कोई कचरा वगैरह कर देते। तो कोशिश यही है भाई, आप जब भी आएँ तो ऐसी जगह पर कचरा ना करें, खुदा के वास्ते गंदगी ना करें, इनका ख्याल रखें, और वो आपके साथ सही रहेंगे, वरना तो फिर आपका बड़ा मसला रहेगा, और आप औरों के लिए भी मसला करते हुए जाएंगे। ये प्लीज़ इन चीज़ों पर ज़रा ध्यान दें, और ऐसी ब्यूटी फिर एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अभी हम 18 घंटे शायद 20 हो गए, 20 घंटे, हाँ ऐसे कुछ 18 नहीं, मैं मतलब कि चलो सर जीदी से अंदर ऑफ रोडिंग वाला जो है 15-16 घंटे का शायद सफ़र था, और हमने जिस तरह तय किया, और हम इस जगह पहुँचने के बाद अगर कोई वापस भेज दे तो बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है, आँखों में आंसू आते हैं जो कि इसने भी छुपाए हुए हैं। तो अभी और तो जा चुके हैं, लेकिन हमें मौका मिल रहा है, औरों को रिटर्न कर दिया है लिटरली। उन्होंने हमारे सामने जीप जा रही थी, उनको कराची से आए, दो दिन ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे और रिटर्न कर दिया। अब हम जा रहे हैं, लेकिन आप प्लीज़ खुदा के वास्ते ऐसी जगह पर आए तो कभी कचरा ना करें, और इनकी इनका हिफाजत करें, इनकी लेडीज़ को तंग ना करें, वरना तो आपको आने नहीं देंगे, इतनी खूबसूरत जगह देखने देंगे नहीं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखें। हाँ भाई, चारों के लिए अभी ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है, हमने जीप अपनी पार्क कर दी है ये, और बहुत मुश्किल से परमिशन मिली है, लेकिन ये परमिशन मिल गई तो हमने इनके थोड़ा सा इनके रूल्स हैं उसको फॉलो करना है। एक तो जैसे कि वो कचरा वहाँ पड़ा हुआ है, कचरा वो हमने नहीं फेंकना, हमने नहीं फेंका, लेकिन कचरा नहीं करना है, और इस जगह के जितने जो भी लोग वहाँ पर रहते हैं, रिहायशी रहते हैं, उनका एहतराम करना है, और उनके ख़ास तौर पर लेडीज़ वगैरह को तंग वगैरह नहीं करना। तो ये अपने भी सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं, इन्होंने अपने लोगों को जाने नहीं दिया और हमें जाने दिया, तो यही है। तो अब हमारी शुरू होने वाली है हिचहाइकिंग से अब हाइकिंग पे कन्वर्ट। यार आप देख सकते हैं यार, ये जगह वैसे ही इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह। ये तो सिर्फ स्टार्ट है, इधर का जो ये ट्रैकिंग का रास्ता है, 3 किलोमीटर का जो रास्ता है, माइंड ब्लोइंग। अभी यहाँ पर जी ये आया है जो एक
बिल्कुल नखलिस्तान जैसा रास्ता है, मतलब सहरा में एक जगह जहाँ वो पानी और साया होता है, ये ट्रैक है, कुछ ऐसा ट्रैक है। और गेट दिस, मच नीडेड ऐसी जगह पर, जब आपको जहाँ कहीं पानी मिले कोशिश करें कि आपके पास तौलिया है, रुमाल, जो भी कुछ हो तो गीला कर लें और फिर अपने सर पर रखें ताकि डिहाइड्रेशन ज़्यादा ना हो। ये एक सेफ साइड रहने का एक तरीका है भाई। ये चीज़ अभी छोटी हैं और भी हमारे साथ यहाँ पे जुनेद भाई और जदून भाई, इन्होंने बीच में डेरा मार लिया है, यहीं पे एंजॉय कर रहे हैं, आएंगे ऐसे ऐसे एंजॉय करते हुए, सारे पॉइंट को एंजॉय करते हुए आएंगे। ये कैसे जुनेद भाई, मज़ा आ रहा है? चले हम जाते हैं, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम एक ही जगह पर डुबकी मारेंगे अपनी बड़ी आबशार पे। स्वादिष्ट है। हाँ, जहाँ कहीं आपको पानी मिलता रहे तो पीते रहे। ठंडा तो नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन मीठा बहुत है। जल्दी जल्दी चले जाओ चले जाओ चले जाओ, कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस रास्ता चले जा रहा है और हम इन वादियों में खो गए हैं। हम उस जगह की तलाश में जो हमें आदिल भाई ने वीडियो में दिखाई है, वो वीडियो के चक्कर में पता नहीं हम कहाँ निकल जाएंगे, कुछ पता नहीं है। पानी कहाँ से पियोगे, यही पानी पीने का है? यही है, पानी साफ। हाँ भाई, हम चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। आई होप आपको आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पे जानवर भी पाए जाते हैं। हम सही जगह पे आ गए। अस्सलाम वालेकुम, लगता है हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते अभी। वाह 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 वाह, यहाँ तुम्हारा रास्ता ये कुछ सही जगह पे तो हम पहुंच गए। हाँ ये जगह है वो जिसके साथ साथ रास्ता जा रहा है, डीप है एकदम, तो अब हम यहीं पे कहीं डेरा मारते हैं ताकि हम अपना सामान सेफ रख सके इधर। हाँ आगे और भी जा रहा है सीधा हमारा मामा, ये हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, हमारा सामान भी रखा है ये। हाँ भाई
हम आए थे, तुमने रस्सियाँ डाली मामा, हम तो गिर जाएंगे। अच्छा, अरे चलो कोई मसला नहीं है, हम देर से आया। यहाँ पर ये है एक पॉइंट, ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर पहले ही पाँव स्लिप हो गया भाई। चलो देखते हैं, पत्ता चुभेंगे फिर। ये जूते मेरे अच्छे से स्लिप वाले नहीं है वैसे, अभी तक मैंने देखता हूँ। ये पॉइंट है सर, इसको डायरेक्ट यहाँ पर 40 फीट है। अपने को स्विमिंग तो आती नहीं है, तो इसलिए भाई हमने जो तय किया है। ओ ये कैसे होगा ये तो वो रस्सी के बगैर नहीं हो सकता ना, रस्सी के बगैर। अच्छा दोनों हाथों से होगा, पार तो कर लिया है लेकिन लग गई है जो होता ना, ये कूला एक साइड कूला पूरा, वो जगह पार करके आया भाई। यहाँ आगे और आसमां, आगे और जहाँ और भी है भाई, ये तो स्लिपरी बहुत चले।